नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमने 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट कर ली है। आगे भी हमें बढ़ना है और भी लोगों के साथ जुड़ना है, लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेप था 1000 लोगों का, वो आपने कंप्लीट करवा दिया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगी। #AskMeFinanceQuestion इसमें आपके क्वेश्चंस को शामिल किया जाता है। अगर आपका फाइनेंस रिलेटेड या फिर इन जनरल कोई भी क्वेश्चन होगा, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको नेक्स्ट #AskMeFinanceQuestion के वीडियो में मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाउ टू ऐड मनी इन IPPB अकाउंट, प्लीज टेल फर्स्ट। तो IPPP अकाउंट के बारे में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसमें मनी कैसे ऐड करना है अलग अलग तरीके से, ये डिटेल में बता दूंगी। लेकिन बेसिक इसमें UPI का काम होता है, UPI से हम बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर दूसरे IPPB से भी मनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं IPPB में मनी ऐड करने के, इसको मैं आपको एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, सो डोंट वरी। सेकेंड क्वेश्चन है, PLI पॉलिसी के बारे में बताइए, सही है क्या? तो मैंने इंश्योरेंस के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, यहाँ पर जो हमने गलतियाँ की थी इंश्योरेंस परचेज करते वक्त, वो भी आपके साथ डिस्कस की है। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो बेसिक इंश्योरेंस कवर हमें मिनिमम अमाउंट में मिलता है, उसकी भी जानकारी दी है। और ये भी एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पोस्ट ऑफिसेस के थ्रू चलाती है, पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस, इसके ऊपर भी मैं आपको जानकारी दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थर्ड क्वेश्चन है, योनो से पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं क्या? तो अगर आप SBI के कस्टमर हैं तो आपको पता ही होगा कि हमें एक मोबाइल एप्लीकेशन मिलता है योनो, जिसे हम बैंकिंग और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसे हम गूगल पे जैसे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम UPI करके IPPB अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वैसे हम योनो से पोस्ट ऑफिस में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आपको मोबाइल से पोस्ट ऑफिसेस के सारे ट्रांजैक्शंस को हैंडल करना है, तो आपको IPPB ये जो पोस्ट ऑफिस का एप्लीकेशन है, ये स्टार्ट करना होगा अपने मोबाइल फ़ोन में। इसकी बेसिक प्रोसीजर है, मैंने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर दी है। आप एक ही बार में ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। इसके लिए आपको योनो एप्लीकेशन की यूज नहीं करनी पड़ेगी, अगर आपको पोस्ट ऑफिस के ट्रांजैक्शंस को फुलफिल करना है। तो ये दो अलग चीजें हैं। अगर हम SBI के कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो हम योनो का सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर हम पोस्ट ऑफिस के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो हमें योनो से कुछ भी हेल्प नहीं होगा, सिवाय एक UPI के, जो हम UPI ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पोस्ट ऑफिस एप्लीकेशन में, IPPB एप्लीकेशन में, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी लिमिट फॉर डिपॉजिट अमाउंट पर मंथ फ्रॉम डिजिटल सेविंग अकाउंट ऑफ IPPB टू PPF अकाउंट? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बेसिक ऑफ PPF डिस्कस किया था। यहाँ पर हमें लिमिट्स दिए जाते हैं कि हम एक साल में मैक्सिमम कितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने PF में। तो ये लिमिट अभी 1,50,000 है, और ये हम कैश में दें या फिर IPPB से ट्रांसफ़र करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिजिटली और फिजिकली हमें 1,50,000 जितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करने का ही परमिशन है, यानी हम इतनी अमाउंट का ही इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और इतने अमाउंट पर ही हमें एनुअल बेसिस पर इंटरेस्ट मिलेगा। जो ऊपर की अमाउंट होगी उस पर ना हमें टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगा, ना हमें इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि हम डिजिटल ट्रांसफ़र करें या फिर फिजिकल ट्रांसफ़र करें, 1,50,000 इतनी लिमिट लगेगी अगर हम अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने PPF अकाउंट में। तो IPPB से भी यही अमाउंट आपको लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट को कैसे ट्रांसफ़र करें ऑनलाइन दूसरे पोस्ट ऑफिस में? तो अगर हम पोस्ट ऑफिस अकाउंट को दूसरे पोस्ट ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ड्यू टू माइग्रेशन, तो हमें एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है कि हमें यहाँ से अपना अकाउंट हटा के इस पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट स्टार्ट करना है। तो ये फिजिकल प्रोसीजर होती है, अभी फिलहाल ये प्रोसीजर ऑनलाइन नहीं हो रही है। तो आपको एक फिजिकल फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें आपको रीज़न भी मेंशन करना पड़ेगा, और ये प्रोसीजर बहुत ही ईजी है, जो आपको एक ही फॉर्म फिलअप करके मिल जाएगा, आपका कंक्लूड हो जाएगा प्रोसीजर। अगला क्वेश्चन है, Hi, I started investing in NPS after watching your video. I am having a small doubt whether this NPS will give a fixed returns as shown in NPS official calculator. I have chosen conservative life cycle as my choice of investment. Please give me reply for my question. तो मैंने अपना खुद का भी NPS अकाउंट ओपन किया है, और वो NPS अकाउंट मैंने ऑनलाइन SBI के योनो से ओपन किया है, तो इसकी प्रोसीजर भी आपको एक अलग से वीडियो में समझ में आ जाएगी। साथ ही हम ये NSDL के ऑफिशियल वेबसाइट से भी ओपन कर सकते हैं। रही बात इसके रिटर्न्स की, कैलकुलेशन की, तो हमें एक कैलकुलेटर भी दिया जाता है, जहाँ पर हम एस्टिमेटेड अमाउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक कॉन्ट्रीब्यूशन इक्विटी के तरफ भी जाता है, और इक्विटी वोलाटाइल होने के वजह से वो फिक्स रिटर्न नहीं मिलता है हमें उससे। तो जो कैलकुलेटर हमें बताता है
वो एक एस्टिमेटेड रिटर्न होता है और आपके कॉन्ट्रीब्यूशन पे, मार्केट सिचुएशन पे और टोटली जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो दो एक्सपेक्ट है एनपीएस के, जो कि फिक्स रिटर्न्स देते हैं, उसके ऊपर भी आपका रिटर्न निर्भर करेगा। अगर आप कंजर्वेटिव चूज करते हैं तो आपका ज़्यादा पोर्शन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगेगा जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, और इक्विटी में आप थोड़ा पोर्शन डालना चाहते हैं। तो आपको पूरी प्रोसीजर मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगी। जो लोग एनपीएस अकाउंट स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है ऑनलाइन, तो आपको एक नए वीडियो में वो पूरी प्रोसीजर बता दूंगी मैं। अगले वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन करना है। सारी प्रोसीजर बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैंने रिकॉर्ड की है। अगला क्वेश्चन है, अगर पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट हो लेकिन ऑलरेडी अदर इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में कोई खाता ना हो तो पीपीएफ में ऑनलाइन रुपए कैसे डालें? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम पोस्ट ऑफिस के सारे ट्रांजैक्शंस को आईपीपीबी एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं। प्रोसीजर बहुत ही इजी है ये अकाउंट ओपन करने की। आपको बस एक आधार कार्ड लेके जाना है और एक ही दिन में आपको आईडी मिल जाएगी और आप अपने मोबाइल से ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने पोस्ट ऑफिस में। आपको कोई अलग से पोस्ट ऑफिस में खाता ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पीपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए। रही बात आईपीपीबी में कैसे पैसे डालने हैं, ये मैंने वीडियो बनाने की जिम्मेदारी ले ली है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अलग अलग कौन से माध्यम है जिससे हम आईपीपीबी में अमाउंट ट्रांसफर कर पाए। अगला क्वेश्चन है, ताई एक विनंती आहे की तुम्ही शेअर बाजारच्या बातम्या मराठीतच सांगा, कारण हिंदीत ढीगभर चॅनल्स आहेत। तो वैभव, जरूर मी प्रयत्न करीन की मराठीतून शेअर बाजारच्या बातम्या तुमच्यापर्यंत पोहोचाव्यात। आपण एक प्लेलिस्ट चालवूया, त्याच्यामध्ये मी दररोज किंवा एक दिवस आड मराठीतून ज्या शेअर बाजारच्या इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन्स आहेत त्या मराठीतून तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेन। कारण का मी स्वतः महाराष्ट्र नाही आणि महाराष्ट्रात राहून मराठीत नाही काही केलं तर इट्स नॉट वर्थ। आणि हिंदीतून चॅनल का ओपन करायचं, कारण का त्याच्याने एक रीच मिळते। आपली नॅशनल लँग्वेज हिंदी असल्यामुळे खूप सारी लोकं हिंदीतूनच बोलतात आणि ऐकायला पण ते जरा सोपं पडतं। आपली मराठी भाषा जेवढी सोपी आणि गोड वाटते तेवढी आहे नाही, लोकांना समजत पण नाही आणि बोलता पण येत नाही। त्यामुळे मी तुमच्यासाठी खास मराठीतून सुद्धा शेअर मार्केटच्या बातम्या सांगण्याचा प्रयत्न करीन। अँड धन्यवाद जे तुम्ही मला अप्रिशिएट केलं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कॅन वी चेंज अवर सिग्नेचर इन पोस्ट ऑफिस पीपीएफ? तो पोस्ट ऑफिस में सिग्नेचर चेंज करने जैसी कुछ बात नहीं है। जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमें अपने इनिशियल्स देने पड़ते हैं, और अगर ऐसी कोई बात है कि आपके किसी और रिलेटिव्स के सिग्नेचर्स को आपको चेंज करवाना है तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाके पूछना पड़ेगा। मुझे नहीं पता है लिटरली कि क्यों आपको सिग्नेचर चेंज करवाने हैं, सो आपको एक बार पोस्ट ऑफिस में पूछना चाहिए कि सिग्नेचर्स से भी कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, और अगर पड़ता होगा तो प्लीज़ उसे चेंज करवा लीजिए लीगल तरीके से। एक और चीज़, कम्युनिटी पोस्ट पर मैं पोल्स डाल रही हूँ, आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। वहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ, उनके आंसर्स करिए। और मैंने आपसे ये पूछा था कि कब हमें वीडियोस डालने चाहिए, तो मैंने अभी डिसाइड किया कि हफ्ते में दो बार वीडियोस आएंगे। एक तो फ्राइडे जो हमारा शेयर मार्केट ट्रेडिंग का चल रहा है वो आएगा फ्राइडे को, और संडे को जो मैं आपको प्रॉमिसेस कर रही हूँ इस क्यू एन ए में वो वीडियोस आएंगे धीरे धीरे। तो अगर आपको ये फंडा बैठ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि चलेगा, या फिर आपका जो सजेशन होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आईपीपीबी से रिलेटेड है कि दूसरे बैंक से पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कैसे करें। तो अगर आपको पोस्ट ऑफिस के कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने हैं तो एक ही हमारे पास ऑप्शन है जो कि है आईपीपीबी। आईपीपीबी को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही ईजी है, कुछ भी इसमें झंझट नहीं है। तो प्लीज़ अपने पोस्ट ऑफिस में जाके वो आईडी ले लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना ईजी प्रोसीजर है। रही बात कि पोस्ट ऑफिस में हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना है आईपीपीबी से, कैसे आईपीपीबी में अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी इन डिटेल। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो फाइनेंस रिलेटेड या फिर इन जनरल जिनको मैं आंसर करना चाहूंगी, तो आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करिए। गिव अवे बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है मेरी तरफ से, तो आप प्लीज इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए। इस वीडियो को शेयर करना है आपको, मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो करना है जिससे आपको अपडेट मिलती रहे कि कब ये गिव अवे खत्म होगा, और जो भी विनर्स अनाउंस होंगे वो आपको इस आईडी पर ही अनाउंस होंगे, या फिर मैं एक यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूंगी। तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है कैसे, आपको मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो करना है, सेकेंडली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अब तक आपने नहीं किया है तो, और मेरे चैनल को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। साथ ही मेरे सारे वीडियोस देखने हैं, उन्हें लाइक करना है। चलो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आपको ज़रूर पूछने हैं, और मैं आपसे तभी कम्युनिकेट कर पाऊंगी अगर आप मुझे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कमेंट सेक्शन में। तो जो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है उसे हम पिक करेंगे और उसमें से ही अपना विनर अनाउंस होगा। तो प्लीज़ पार्टिसिपेट कर
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे आपको मेरे लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।